हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया बढ़िया चलनी भी चाहिए। हाँ, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनाइड्स। दो बड़े कोएक्सियल सोलेनाइड्स के कारण जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू होगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे, या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन जो होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कैसे लिखना है तुमको, आगे प्रोसीड कैसे करना है उस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो टू कोएक्सियल सोलेनाइड को थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली पहले फील करा देते हैं, उसके बाद बोर्ड पढ़ाते हैं। देखो ये है एक बड़ा सोलेनाइड्स और ये छोटा रेडियस का है, ठीक है, स्मॉल रेडियस का है, और इसमें हमने एक सोलेनाइड ऐसे रख दिया तो ये कोएक्सियल हो गया, एक ही एक्सिस पर लाई कर रहा है इसलिए ये कोएक्सियल है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। अब इसका बहुत उपयोग है तो चलते हैं, देखिए बोर्ड पर देखिए। सपोज कीजिए, पहले यहां पर एक कंडीशन बना लीजिए कि R1 lesser than R2, मतलब R2 का जो रेडियस है ना, मतलब S2 सोलेनाइड जो है उसका रेडियस R2 है। मैंने लिख रखा है दो सोलेनाइड है जिसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड S1 है, I1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स करेंट पासिंग थ्रू द सोलेनाइड है, R1 रेडियस ऑफ द सोलेनाइड है, और सिमिलरली यहाँ है N2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है सोलेनाइड 2 के लिए। ओके, I2 करंट है इसमें पास करने वाला, R2 इसका रेडियस है। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर और देखिए, हम एक ब्लैक कलर नाइट बना रहे हैं। देखिए ये ब्लैक कलर का ये सोलेनाइड जो है, ये क्या है, S1 है, और इसमें करंट यहाँ से EMF जा रहा है, और ये सामने है की टैपिंग की है, तो ये की है, इससे EMF ऐसे जाएगा, ये इस तरह से, क्या मैं बातें समझ में आ रही, ऐसे करके यहाँ तक। ओके, अब ये टैपिंग की है इस तरह से, इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, ये रेडियस क्या है, R1 है, क्या मैं बातें समझ में आ रही, ये कितना है, R1 है। अब एक बड़ा सा सोलेनाइड लेते हैं, ठीक है, लार्ज रेडियस का, और उसका जो है यहाँ पर ये जो बनाएंगे, दूसरा ब्लू कलर से बना देता हूँ मैं, इसका रेडियस बड़ा है, ठीक है, ये ऐसे है, ये इस तरह से, और ये इस तरह का सोलेनाइड्स है, इसमें S2 है, ठीक है, ये जो है सोलेनाइड S2 है, करंट ऐसे जा रहा है, अपोज कीजिए, तो इसमें जब करंट जाएगा ना तो इसके अपोजिट करंट जाता है, ठीक है, इसका जो इंडक्शन होता है करंट का वो अपोजिट होता है। ठीक है, अब इसमें पहले इंडक्शन होगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, तो दोनों ही में, एक में I1 करंट है, ये I1 करंट है, और इसमें जो करंट इंड्यूस होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा, तो आपने जो भी करंट का डायरेक्शन बनाया उसके अपोजिट कीजिए इसका। ठीक है, ये इस तरह से जाएगा, ये ऐसे करके करंट ऐसे करके, ठीक है, तो ये ऐसे है। अब ये फाइनली इधर से निकाल लीजिए करंट, तो ये करंट की जो वैल्यू है I2, इसको थोड़ा सा एरो मैंने ब्लैक से बना दिया, ब्लू से कर लो, ठीक है, ये I2 है, क्या मैं बातें समझ में आ रही, ये I2 करंट है, S2 सोलेनाइड में I2 करंट पास कर रहा है। ठीक है, दोनों का लेंथ जो है वो सेम ही है, क्या बातें समझ में आ रही, दोनों का जो लेंथ है वो L ही है, लेंथ में कोई चेंज नहीं। ठीक है, जैसे अभी सोलेनाइड दिखाया ना, दोनों का लेंथ सेम ही था, ठीक है, ये जैसे है ना ये सोलेनाइड, इसमें लेंथ सेम ही है दोनों का, जो आप इसको खोल करके देखेंगे तो इसकी जो वायर की लेंथ है वो सेम ही है। अब हमें निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल या सोलेनोइड S2 ड्यू टू S1, हम पहले ये निकालना चाहते हैं। तो देखो आगे बढ़ो, देखो लेट म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सोलेनोइड 2 ड्यू टू 1, पहले हम 2 में 1 की वजह से निकालना चाह रहे हैं, तो हेयर M ड्यू टू, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1 इज म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्टेंस इन क्वाइल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब सोलेनोइड 1 की वजह से 2 क्वाइल में, सेकेंड क्वाइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो कितना है, M2 1। ठीक है, क्या बातें समझ में आ रही है। अब देखिए फ्लक्स इन कॉइल 2 में जो होगा वो क्या होगा, M21, और करंट किसका होगा, 1 का सोलेनाइड फर्स्ट का,
उसी की वजह से तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्या मैं बातें समझ में आ रही है? तो यही उसी की वजह से तो ईएमएफ फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम टू वन आई वन, करेंट किसका लेगा तुम, फर्स्ट कॉइल का। तो ये नंबर वन हो गया। अब आगे बढ़ो और फ्लक्स निकालो, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन इन कॉइल टू ड्यू टू, कॉयल नहीं है ये सोलेनॉइड है, तो ये कॉयल यहाँ पर ये सोलेनॉइड लिख लो, बार बार मैं कॉयल लिख दे रहा हूँ, सोलेनॉइड लिख लो, सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड मैग्नेटिक फ्लक्स इन सोलेनॉइड टू ड्यू टू वन, वन की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा सोलेनॉइड टू में, ड्यू टू सोलेनॉइड वन, ड्यू टू वन, क्या मैं बातें समझ में आ रही। तो फ्लक्स इक्वल टू जो है ना टू मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड इन, देखो वन में मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, फर्स्ट का, क्योंकि उसी की वजह से तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का। अब एरिया किसका होगा, ठीक है, तो एरिया जो होगा वो किसका ले लोगे वो बताओ मुझे, दूसरे का नहीं, ए टू लेंगे, लेकिन यहां पर ए वन ही काम में आएगा, कैसे वो समझ लो। चलो हम अभी ए टू ले लेते हैं तुम्हारे, क्योंकि ए टू का फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कौन कर रहा है, सोलेनॉइड फर्स्ट, बट ए टू से पास कर रहा है, तो इसलिए ए टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन टू सोलेनॉइड जो है उसमें जो होगा वो बी वन इंटू ए टू होगा। इतनी बातें तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि ए टू नहीं आएगा, ए वन आएगा, मतलब एरिया जो फर्स्ट कॉइल का होगा वो आएगा। कैसे आएगा, देखो ये जो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है छोटा वाला जो सोलेनॉइड है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उसी के वजह से इसमें फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है उसी के वजह से इसमें जो फ्लक्स आ रहा है, इसी में इसमें फ्लक्स आ रहा है। एक बार फिर से समझ लो, अब देखो ये सोलेनॉइड है, अब इसमें छोटे वाले में जो ये जो स्मॉलर रेडियस का सोलेनॉइड है इसी के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसमें फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, ये तो क्लियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका है लेकिन ये इसी में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया से पास होगा, जितना इसका एरिया है, मतलब इसी सोलेनॉइड से पास तो होगा, लेकिन इसका मान लो 5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है बड़े वाले सोलेनॉइड का, और छोटे वाले सोलेनॉइड का जो एरिया है वो कितना है, 2 मीटर स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 जो है वो 3 मीटर स्क्वायर, उसका तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। काम किसका हो रहा है, छोटे वाले नहीं, छोटे वाले एरिया का, क्योंकि फील्ड लाइंस तो उसी से पास होगा, बाकी तो बाहर वाले से तो जाता नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना, ठीक है। तो ये ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे एक मैं अभी डब्बा से समझा देता हूँ, जैसे मान लो ये हमारे पास एक बड़ा सा ये ऐसे तो लंचे सेल है, अब बड़ा सा सेल है ये, और बड़ा सा डब्बा है, सेल का भी काम नहीं देते। अब इसमें एक छोटा सा डब्बा हमने ऐसे रख दिया, ठीक है, तो पानी जो है छोटे वाले डब्बा से ही जाएगा, मान लो सपोज करो, तो बड़े वाले डब्बा के एरिया में तो कुछ आया ही नहीं, लेकिन बड़े वाले डब्बा के एरिया में जितना ये छोटा वाला एरिया कवर कर रखा है उसका तो रोल है ना, तो इसलिए छोटे वाले एरिया में, क्योंकि पानी इसी में डाल रहे हैं हम छोटे वाले में, तो बड़े वाले का तो कोई काम ही नहीं, बड़े वाले का काम है नहीं है, मतलब ये कोएक्सियल है, तो इतना एरिया जो ये छोटा वाला कवर किया हुआ है वो तो काम में आएगा ही नहीं, लेकिन कितना एरिया आएगा जितना छोटा वाला कवर किया रखा है। तो इसलिए यहां पर शायद समझ में आ गई होगी बातें मेरा, यहां पर A2 नहीं आएगा, A1 आएगा, क्योंकि वो पानी तो फर्स्ट वाले में ही रह गया ना, उतना ही एरिया में रह गया, ठीक है। अब तुम कहेगा सर अंदर जो छोटे वाला जो सोलेनॉइड होता है उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर भी तो होता है, बाहर होता है लेकिन कम होता है, बहुत कम, उसकी वजह से ज्यादा फ्लक्स चेंज भी नहीं होता। तो ये इतना बी वन इंटू ए वन हो गया। तो आपने तो प्रीवियस जो म्यूचुअल इंडक्शन समझाया था उसमें ये बताया था कि बाहर में मैंने कहा था कि फ्लक्स लीकेज होगा, वहां बहुत इंटेंसिटी लेस हो जाती है, तो कॉइलिंग इसीलिए किया जाता है कि कोएक्सियल कॉइलिंग करो ताकि फ्लक्स लीकेज कम हो, ठीक है, और यहाँ केस भी कोएक्सियल का ले रहे हैं। अब चलो आओ देखो पॉइंट पर ध्यान दो, बी वन इंटू ए वन इसमें है फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अब टर्न्स किसका है, हम एस टू का निकाल रहे हैं, तो फॉर एन टू टर्न्स के लिए फ्लक्स कितना होगा, फाइव टू इक्वल टू क्या होगा, बी वन ए वन इंटू एन टू, क्या मैं बातें समझ में आ रही।
तो ये जो है ना, ये ऐसा है यहां पर, और इसको अगर तुम मैनिपुलेट करोगे तो फाई टू इक्वल टू बी वन, बी वन की जगह पर क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एन वन आई वन ए वन एन टू। क्या मैं बातें समझ में आ रही? तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, टू। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन वन एंड टू, ओके, तो वन एंड टू में करेंगे तो दोनों का फ्लस तो इक्वेट हो जाएगा, तो फ्लस इन टू ड्यू टू वन आई वन इक्वल टू म्यू नॉट एन वन आई वन ए वन एन टू। क्लियर है बातें समझ में आ रही है? तो ये आई वन से आई वन कैंसिल हो जाएगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल टू ड्यू टू वन, तो म्यू नॉट एन वन ए वन एन टू। तो एन वन की जगह पर कितना लिखना है, एन वन ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। मैं चाहता हूं नंबर ऑफ टर्न्स के रूप में लिखूं, तो एन वन लिखूंगा अपॉन एल कर दूंगा, तो यहाँ एन टू हो जाएगा, ये ए वन होगा और अपॉन एल कर दूं, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल टू ड्यू टू वन हो गया। अब मान लो, सपोज करो हम इस एरिया को रेडियस के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू, ये देखो पहले तो ये करो, लिखो एन टू और पाई आर वन स्क्वायर अपॉन कितना लिखेंगे एल। क्या हमें बातें क्लियर हो रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल टू ड्यू टू वन। ठीक है, लेकिन अभी तो कॉइल टू में निकला म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू वन, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू टू कितना होगा ये देखना है, तभी तो सोलेनोइड का आएगा, ये पूरे सोलेनोइड का, टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको ये तो रहने दो ये वाला पार्ट, बाकी सारे रफ कर देता हूं, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू टू। ठीक है, टू ड्यू टू वन तो हो गया, वन ड्यू टू टू निकालते हैं, इसको रफ करो फिर करते हैं। देख, सपोज मानो, सपोज एम वन टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल, इन सोलेनोइड लिख लो, सोलेनोइड वन ड्यू टू टू, ड्यू टू टू मतलब एम वन टू जो है ना म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सोलेनोइड वन ड्यू टू टू, ये इन लिख लगा लो, इन सोलेनोइड वन ड्यू टू टू है। क्या मैं बातें समझ में आ रही? अब चलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू टू अगर ये है तो प्लस इन वन कितना होगा, प्लस इन थ्रू, प्लस थ्रू कॉइल वन। ठीक है, बार बार स्क्वायर लिखा जाता है, सोलेनोइड वन वन में, तो ये जो होगा प्लस इन वन म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू टू, ये करंट किसकी वजह से होगा बता मुझे, दूसरे की वजह से तो होगा, ये प्लस चेंज होगा फर्स्ट में। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है तो एक दूसरे की वजह से होता है, तो पहले वाला दूसरे वाले में कर रहा था, दूसरे वाले क्या करेगा, पहले वाले में करेगा, तो ये हो गया आपको, ये तो थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड आपने बना लिया था ऊपर, तो थर्ड ये हो गया, फोर्थ इसको बनाइए। ठीक है, अब देखिए फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सोलेनोइड, सोलेनोइड वन में, एस वन में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाइव वन इक्वल टू बी टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड क्वाइल, एन टू एरिया किसका, ए वन का। ठीक है, फिर से एरिया किसका लेंगे, छोटे वाले का। अब इसको भी समझ लो, देखो अगर इसको समझना है हमें पानी के रूप में, तो मैग्नेटिक फील्ड को अगर पूरे ये जो पूरा बड़ा वाला जो है इसमें हमने रख दिया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि
मैग्नेटिक फील्ड जो है ना इस छोटे वाले से कितना पास करेगा, उसको निकालना है। तो इस पूरा में तो पानी है, लेकिन हमने इस छोटे वाले डब्बे को इसमें रखा, तो इसमें कितना आया ये निकालना है। तो हम एरिया किसका लेंगे, छोटे वाले का। नहीं समझ में आई बात है कि देखो ये जो है ना, ये बड़ा वाला डब्बा, ये सोलेनोइड ऐसे कोएक्सियल सोलेनोइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले की वजह से तो है, लेकिन फ्लक्स किसका लेना है, छोटे वाले के अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसका होगा, लेकिन इसमें से मैग्नेटिक फील्ड छोटे वाले में से कितना पास कर रहा है, ये छोटा वाला जो है ना इससे कितना पास कर रहा है, इस छोटे वाले से। क्या मैं बातें समझ में आ रही, इस छोटे वाले से। देखो ये फंस जाता, निकलता भी नहीं। देखो छोटे वाले से कितना पास कर रहा है, इसको निकालना है। तो हम एरिया किसके लेंगे, छोटे वाले का। समझ में आ रही बात है कि मतलब ये ठीक है, पानी पूरे बड़े डब्बे में भरा हुआ है, बड़े डब्बे में भरा हुआ है, लेकिन हमने ये जो छोटा डब्बा जो डाला है ना इसमें, इसमें कितना आएगा पानी, ठीक है। तो इसमें कितना आएगा, मान लो ये पाइप है, एक बड़ा पाइप है, एक छोटा पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जस्ट दिखा रहा हूं, और इसमें से पानी घर में तुम्हारे जाता है, छोटा वाला जो है घर तक पहुंचता है और ये बाहर जाता है इधर। तो जब पानी पूरे बड़े में से जाएगा, तो छोटे वाले एरिया से जितना वाटर जाएगा वही तुम्हारे घर में जाएगा, बाकी तो एक्स्ट्रा वेस्टेज चला गया ना। सर ऐसा दो पाइप घर में लगाएगा क्यों, हाँ ऐसा समझाने के लिए बोला हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको समझाए हैं, बाकी तो आप अपना दिमाग लगाते ही नहीं, पानी क्यों बर्बाद करेंगे। मान लो ये बड़ा वाला पाइप दूसरे के घर जा रहा है, अच्छा तो दूसरे के घर जाएगा तो क्या होगा, समझो इधर दूसरे के घर जाएगा तो ये छोटा वाला तो तुम्हारे घर आ जाएगा, बाकी बड़ा वाला जो है ना उसके घर चला जाएगा, मतलब बाकी जो एरिया बचेगा उससे जो पानी जाएगा वो उसके घर में जाएगा। बस सिंपल सी बात है, झगड़ा ही खत्म है। समझ में आई बात है, तो ये हो गया क्लियर। अब यहाँ पर मैग्नेटिक जो एरिया लेंगे आप, ए वन लेंगे, दोनों ही केस में समझा दिया कि एरिया क्यों लेंगे, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट जो है उस छोटे वाले एरिया का है, ठीक है, इसलिए हम एरिया को यहाँ पर डोमिनेट कर देते हैं उसको, किस पर, ए टू पर, ठीक है, जो इन्वॉल्व करेगा ज्यादा अपने आप को दिखाएगा, जिससे काम हो रहा है, ठीक है, जो पानी बहाने में मदद करेगा उसी को तो हम लेंगे काम में, ठीक है। तो अब चलो आओ इधर, फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स फ्लस्क, फॉर एन नंबर ऑफ टर्म्स एन या एन वन नंबर ऑफ टर्म्स। क्या मैं बातें समझ में आई है, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एन वन नंबर ऑफ टर्म्स के हो तो देखो इधर फाइव वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी टू ए वन इन टू एन वन, ये हो गया प्लस। अब हमें इसमें ना सबकी वैल्यू डालनी है, तो डालो इसमें म्यू टू एन टू, और करंट किसका होगा, आई टू का, ये जो है ना करंट आई टू के कारण ही तो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड टू में, अब ये एन वन हो गया। तो ये फाइव वन है और ये इक्वेशन नंबर फाइव है, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर एंड फाइव, चार एंड पांच से म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू टू, ये आई टू है, तो म्यू टू एन टू आई टू ए वन एन वन, और ये आई टू कैंसिल हो जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन कॉइल वन ड्यू टू टू म्यू टू एन टू एन टू एन वन ए वन अपॉन एल, ओके। तो ये हो गया तुम्हारा, ये मैंने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को मैनिपुलेट कर दिया, ये यहाँ तक हो गया। अब ये इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करो और लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू टू म्यू नॉट एन वन एन टू, पहले लिख दिया आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, और पाई आर वन स्क्वायर अपॉन एल। तो ये जो है ना देखो दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वली तो हो रहे हैं, तो मतलब इस सोलेनोइड का कोएक्सियल सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो कितना होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन डॉट टू टू इक्वल टू टू ड्यू टू वन, और म्यू एन वन एन टू पाई आर वन स्क्वायर अपॉन एल। अब देखो तुमसे ना, तुम बहुत ये इसको तो ये हो गया है आंसर, अब तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और क्या करोगे, देखो तुमसे एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स, तो तुमको दोनों प्रोसीजर करके तब यहां तक लाना पड़ेगा। एक तो क्वेश्चन ये होता है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि दोनों कॉइल की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस या दोनों सोलेनोइड्स की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस आपस में इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करें। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सोलेनोइड वन ड्यू टू टू विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन
टू ड्यू टू वन टू दैट, तो ये कर दोगे प्रूफ। समझ में आ रही बात है? एक जो चीज होती है मैंने ऑब्जर्व किया, वैसे तो करने में कोई ज्यादा लंबा जाएगा नहीं काम, सिमिलरली करके तुम यहां से यहां मूव कर सकते हो। सिमिलरली इन सोलेनोइड एस टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू टू होगा इतना, और तब लिख सकते हो। देख लेना मार्क्स, अगर दो मार्क्स का है तो इतना लंबा क्यों करोगे, तो ये कर देना ठीक है। तीन मार्क्स का है तो कर देना सारा स्टेप वाइज। ओके, तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू लॉन्ग सोलेनोइड कॉइल।